हाय दादा, नमस्ते। सब ठीक है ना? अगर नहीं हो, बोर हो रहे हो तो जरा रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम मिलवाने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ से, और उनने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। तो भैया, बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या बात! आहा, नमस्ते नमस्ते, बहुत नमस्ते और बहुत स्वागत है हमारे शो टेढ़ी बात विद इमरती देवी में। और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, मतलब हम बताए दें कि क्या बताएं, इतने सारे फैन फॉलोइंग है उनके और हम खुद इतने बड़े फैन हैं कि बता ही नहीं सकते। तो बिना देर किए मिलवाए देते हैं दिनेश लाल यादव जी से, जो भी जिनको निरहुआ के नाम से भी सब लोग जानते हैं। तो निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत प्रणाम इमरती जी, और जो लोग देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, और आपका ये जो किरदार है वो बहुत कमाल है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ आज जुड़ के। अरे वाह, मजा आ गया भैया, निरहुआ जी ने ऐसा बोल दिया। लेकिन अब ये बताइए जी, लॉकडाउन कैसे कट रहा है, कैसी कट रही जिंदगी? सूट थोड़े से बंद है तो अभी थोड़ा हालचाल बताइए। अरे मत पूछिए हालचाल, सारी हीरोगिरी निकल गई है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है घर में बैठे हैं, और घर वाले खाली देख लेते हैं कि बैठा है तो बोलते हैं क्या बैठे हो जी, चलो वो कर लो थोड़ा। तो कोई सब्जी कटवाता है, कोई झाड़ू लगवाता है, बर्तन धुलवाते हैं सब, मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो परेशान है वो हीरो हीरोइन लोग हैं। ये लोग सेट पे जब रहते हैं ना तो इनके बहुत नखरे होते हैं, भाई पानी लाओ पानी कोई और लाएगा, चाय लाओ कोई चाय लाएगा, कोई छतरी लगाएगा। अभी घर में रहना पड़ रहा है तो पता चल रहा है कि भाई हीरोगिरी तभी तक है जब तक सेट पे है, ये घर में हीरोगिरी नहीं चलेगी। यहाँ पे तो सब काम करना पड़ रहा है। तो निरहुआ जी क्या क्या कर रहे हैं? जी निरहुआ जी क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो सब कर रहा हूँ, चूंकि अच्छा ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। मैं बचपन में खाना बनाता था, पिताजी के साथ कलकत्ता में रहता था और माताजी गांव में थी, तो खाना हमको बनाना पड़ता था, मुझे और मेरे छोटे भाई को। अच्छा। तो मुझे खाना बनाना आता है, तो घर में मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, चलो कोई ये नहीं बोल सकता खाना नहीं मिला, मैं चलो ऑटो में बना लूंगा। मैं रोटी भी बनाता हूँ, सब्जी भी बनाता हूँ, दाल बनाता हूँ, चावल बनाता हूँ, मैं चोखा बनाता हूँ, सब कुछ बनाने आता है वो भी मैं कर लेता हूँ। कपड़ा धोना बचपन से आता है, स्कूल जाना होता था तो अपना ड्रेस खुद ही धोते थे तो वो भी आता है हम अपना। और बिग बॉस में मैंने सीख लिया था बाथरूम साफ करना, सिद्धू जी ने मुझे अच्छे से पूरा सिखाया था। तो घर में मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले जो है घर के सब बाथरूम जो है वो चकाचक एकदम चमका देता हूँ, घर वाले पहले ही खुश हो जाते हैं, यार कौन सफाई किया, पता चलता नहीं रहूंगा एकदम मास्टर आदमी है। तो ये सब काम करके घर वालों का दिल भी जीत सकते हैं आप, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप नहीं कुछ कर सकते, लॉकडाउन में भी आप लोगों का दिल जीत सकते हैं अच्छा काम करके। और हम बता दें बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लड़कों के लिए, पतियों के लिए स्पेशली ये बहुत प्रेरणा का काम है, मतलब इतने एक सारे काम करना, नहीं तो कई ऐसे हैं जो मतलब बैठे बैठे जो है एकदम ऑर्डर दे रहे हैं, तो मतलब नहीं, देखिए उन लोगों को तो मैं ये कहना चाहूंगा इमरती जी, बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिग बॉस में मैं गया था तो मैंने यही सीखा कि आप जिस घर में रहते हैं खाते हैं उतना काम जरूर करिए जितना आप खाते हैं। ये नहीं कि आप बैठे हैं और बाकी लोग काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई ये कर रहा है और आप बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर के सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उतना काम तो आपको करना ही चाहिए जितना आप भोजन खाते हैं। क्या बात है, मतलब जी बार बार ये बात हमसे निकल आती है हर एक इंटरव्यू में, कहे से हम बड़े दुखी हैं ना अपनी जिंदगी में इस मारे निकल आती है। लेकिन अब ठीक है भैया, प्रेरणा ऐसे लोगों से वो जरूर मिलनी चाहिए, इंटरव्यू हम सबको दिखाएंगे इसलिए। लेकिन अब जो बिग बॉस की बात की निरहुआ जी, और वहां पर रहकर आए, सब इतना देखभाल के आए, वहां पे भी एक तरह को लॉकडाउन ही था, अंदर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो वो वाला लॉकडाउन में और जे वाले लॉकडाउन में कितने अंतर है, क्या ज्यादा अच्छा था?
अरे बहुत अंतर है, ये ज्यादा अच्छा है। आप समझिए ना कि अभी तो हमारे पास टीवी है, हमारे पास मोबाइल है, आपसे देखिए हम बात कर रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है हम सबका, और हम दूसरों का भी कलाकार होने के नाते मनोरंजन कर रहे हैं, सब चल रहा है। वहां तो एक बार गए तो खत्म खेला, मतलब ना मोबाइल है, ना किसी से मिलना है, ना कोई बात, ना चीज, बंद हो गए एकदम। मतलब दुनिया का उससे बड़ा जेल नहीं है कोई। आप उसमें बंद होने के बाद, और तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, कौन क्या सोचता है, आपकी किस बात पे कौन क्या रिएक्ट करेगा वो भी नहीं आपको समझ आएगा, तो वो ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो घर के ही लोग हैं उनके साथ बंद है तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये भाई है, इसका मूड कैसा रहता है, ये कैसे बात करेगा, ये कैसे खुश रहेगा, ये हमको पता है, घर में हम हैंडल कर ले रहे हैं। वहां हैंडल करना मुश्किल है, वहां पता नहीं किसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा, वो समझ में ही नहीं आता वहां। सही बात है, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का सोच है। सही बात है। तो अब जैसे लॉकडाउन में मतलब कह रहे हैं कि सब लोग कछु ना कछु सीख रहे हैं, कुछ नया नया, कोई लोग अच्छा अच्छा कछु बनाना सीख ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, तो ये बताइए निरहुआ जी ने इस लॉकडाउन में कुछ मतलब कुछ नई चीज ऐसी हो जो सीखी हो? हाँ, मैंने बहुत सारी चीज सीखी। मैंने तो सबसे पहले जो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत जरूरी था और मैं नहीं कर पाया, प्रेमचंद जी की मैंने कुछ कहानियां पढ़ी थी पर बहुत सारी रह गई थी, छूट गई थी, कर्म भूमि छूट गई थी, बहुत सारी कहानियां छूट गई थी, मैंने वो सारी कहानियां पढ़ डाली, सारे उपन्यास प्रेमचंद जी के पढ़ डाले। हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो कहा जाता है कि आदमी को जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए, और मैंने नहीं देखी तो वो सारी देख डाली मैंने। उसके बाद रामायण देख रहा हूँ, महाभारत देख रहा हूँ, बचपन में भी देखा था लेकिन फिर से देख रहा हूँ, ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी धुनें हैं जो मुझे नहीं गाना आता, और पता चलता है मेरे भैया बहुत अच्छा गाते हैं, उदित जी बहुत अच्छा गाते हैं, रितेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं, कल्पना जी बहुत अच्छा गाती हैं, और वो धुन मैं नहीं गा पाता, तो मैं उनकी प्रैक्टिस कर करके वो भी सीख रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, तो हम तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो लॉकडाउन के बाद हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिलने वाला भी है, मतलब निरहुआ। 100% बहुत अच्छी अच्छी धुनें मैं सुनाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जिस तरह का ऐसा माहौल हो गया है, मतलब हमें तो लग रहा है कि अगर आपको फॉलो कर लिया किसी अच्छे लड़के ने तो उसका तो पूरा मतलब जेका बोलते भाई मैट्रिमोनी को ऐड बन जाएगा। तो कोई मतलब अच्छा संस्कारी लड़का, सारे काम करने वाला, तो ऐसा लड़का हम मान के चलें कि जो सारे काम कर लेता हो, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि आप भी मतलब हमको बिल्कुल सर्वगुण संपन्न लग रहे हैं। मुझे लगता है सर्वगुण संपन्न इसी बात में है, और यही होना चाहिए कि आप सबकी इज्जत करें, सबका रेस्पेक्ट करें, सबकी बात सुने, और ऐसा नहीं है कि आप किसी से दब के रहें पर किसी को दबाने की भी कोशिश ना करें, और सबसे बड़ी बात है सबकी इज्जत करें। यही मुझे तो लगता है सबसे अच्छा गुण ये है कि आप सबकी इज्जत करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ लोग जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार आप दूसरे के साथ करिए, बस सिंपल है। और मुझे लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें तो फिर मुझे सबको इज्जत देनी पड़ेगी, सबको इज्जत करनी पड़ेगी, तो ही लोग इज्जत करेंगे। बहुत सुंदर बातें मतलब जे बताई हैं, और हमें लग रहा है जे सबको जरूर जरूर जे समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। लेकिन निरहुआ जी, अब अलग अलग तरह के जो हैं किरदार आप करते रहते हो पिक्चरों में, अलग अलग, उसमें रोमांस भी होता है, बामे एक्शन भी होता है, अलग अलग तरह की सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन आज ना हम जानना चाहेंगे कि जे जो आपका जो रियल लाइफ का रोमांस है वो कैसे? शादी मेरी गाँव में हुई है, और मेरे दो बच्चे हैं जो मेरे साथ में ही रहते हैं, और वो पंचगनी में पढ़ाई करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो सब लोग अभी घर पे ही हैं। आजकल तो ये हाल हो गया है कि किसी के बच्चे को, मैं कहीं गया, कोई बोल दिया थोड़ा मेरा बच्चा गोद में एक मिनट ले लीजिए, मैं उठा लिया, फोटो खींच दिया, तो उस फोटो को भी यूट्यूब पे बना देते हैं सब कि ये है निरहुआ का असली बेटा, ये है निरहुआ की असली बेटी। और कितना बेटा, कितनी बेटी, कितनी बीबी,
मतलब मैं बता नहीं सकता, बस एक फोटो किसी के साथ में मिलना चाहिए, न्यूज रेडी है। क्या करें हम बताइए। अच्छा तो ये तो बात हुई, लेकिन अब जैसे लॉकडाउन है तो थोड़ा सा जो जो डेली का जो शेड्यूल रहता है बासे ने थोड़ा सा अभी ब्रेक मिला हुआ है, तो ऐसे में का दोस्तों से बातचीत हो रही, रिश्तेदारों से बातचीत हो रही, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे बढ़िया तो दोस्त है, चाहे कहते 3 AM फ्रेंड की रात में 3 बजे भी बाय फोन लगा के मतलब कछु बोल सकते, तो वो कौन है? मेरे भाई है प्रवेश लाल, और मतलब रात नहीं कहेंगे उसको, भोर के 4-5 बजे तक हम दोनों ना ऑनलाइन बात करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं और कैरम खेलते रहते हैं। दोनों भाई कैरम खेलते हैं रात रात भर, दिन भर सोते हैं और रात भर दोनों भाई कैरम खेलते रहते हैं और चैट करते रहते हैं। तो प्रवेश मेरे भाई ऐसे भाई हैं, बचपन से ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, भाई तो हैं, तो हर समय मैं उनसे ही ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा भोजपुरी फिल्मों में तो मतलब आप जो है धमाका इतेक मचा चुके हैं कि जिसकी जिसके लिए तो शब्द ही नहीं है, लेकिन अब आगे को जो सोचा आपने कि भाई बॉलीवुड में भी नेक आया जाए या एंट्री की जाए या कुछ ऑफर आए हो, या फिर सोचा है कि नहीं अभी जो है फिलहाल भोजपुरी में ही मजा आ रहा, क्या सोचो आगे के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए कलाकार के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वो यही करेगा ऐसा ही करेगा। कलाकार को कहीं भी किसी भी भाषा में किसी भी जगह पे अगर काम करने का अवसर मिलता है वो करता है, और मुझे भी जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने किया ही, बिग बॉस में मिला तो वहाँ भी गया, और कई बार मुझे ऐसी फिल्मों के लिए भी पूछा गया कि फिल्में बन रही है हिंदी में आपको करना है, तो मैंने उसमें भी कई बार दिलचस्पी दिखाई, पर कभी ऐसा हुआ कि पता चला मैं 1 साल तक भोजपुरी फिल्मों में बिजी हूँ तो कभी डेट मैच नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ और कभी नहीं जमा मामला, पर जिस दिन भी जमेगा उस दिन मैं आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मुझे कभी हिंदी में काम मिले, कभी तेलुगु में काम मिले, बंगला में काम मिले, मराठी में काम मिले, किसी भी भाषा में मुझे काम मिले तो मैं करूँगा। अरे वाह, कोई कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ या एक्टर जिसके साथ काम करने को मतलब आप चाहोगे कि बॉलीवुड में इनके साथ? मेरी बचपन से इच्छा है करिश्मा कपूर के साथ एक बार काम करने को मिले मुझे। अरे वाह, मतलब मैं बचपन से उनका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ। इमृति जी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर के दीवार में 1 इंच जगह खाली नहीं होती थी जहाँ उनकी फोटो ना हो। हाँ, मैं स्कूल से निकलता था दुकान में ना उनकी जितनी फोटो आई रहती थी मैं सब खरीद लेता था, चिपका देता था, तो मैं इतना बड़ा फैन, तो जिस दिन मौका मिलेगा मैं उनके साथ काम करना चाहूंगा। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब ना निरहुआ जी, हमको पता है कि भाई घर वर के भी बहुत काम है तो हम और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर जरूर खेलेंगे कि इसमें हम फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम गिफ्ट में आपको ये भी देंगे, तो ऐसा नहीं है इसकी बहुत सख्त जरूरत है आज के दिनों में, हमारे पास हमारा अपना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, हम भी मतलब भिजवा देंगे हमारी तरफ से, ऐसा रहेगा हमारी। जल्दी से हम शुरू करते हैं। एक डिश जो सबसे ज्यादा पसंद है? हलवा। अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले निरहुआ जी क्या करेंगे बाल कटवाने के अलावा? वही करना था, अब उसके अलावा तो दाढ़ी कटवा लेंगे। अच्छा, एक इंसान जिससे लॉकडाउन के बाद सबसे पहले मिलना चाहेंगे? आम्रपाली दुबे। अच्छा, एक कोई एक ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस जिसके साथ अभी तक काम नहीं किया है या काम करना चाहते हैं? मैंने सबके साथ मैंने काम किया है, और मुझे लगता है कि पहले जितनी भी मेरे से पहले आई हुई हीरोइनें हैं या मेरे बाद में भी जो आई हैं, लगभग मैंने सबके साथ में फिल्में की है, और
अगर कोई नई हीरोइन आएंगी और मौका मिलेगा तो उनके साथ भी जाएंगे। अरे वाह। अच्छा अब ना हम तीन डायलॉग बताएंगे, वो तीनों डायलॉग जो है आपको अपने भोजपुरी स्टाइल में बोलने हैं। जी तो जी सबसे पहले हम बोलेंगे शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो पलट के देखेगी, पलट पलट। अगर वो हमरा से प्यार करे तो पलट के जरूर देखी, पलट पलट। बहुत शानदार। अच्छा अभी सलमान का कि दोस्ती का उसूल है नो सॉरी नो थैंक यू, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती के उसूल होला नो सॉरी नो थैंक यू, अब दोस्ती कैले बाड़ा तो निभावे के तो पड़ देगा। बहुत ही सुंदर, मतलब इसमें तो हम जे हमारी निकल ही आई। अच्छा एक डायलॉग जो है वो बच्चन साहब को है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है सहनशाह। रिश्ता में तो हम तुम्हारे बाप लागा, नाम है निरहुआ रिक्शा वाला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आ गया, सच बता रहे हैं, मतलब इसकी तो बात ही अलग है। तो निरहुआ जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बहुत सारी नई नई बातें हमको पता चली जो, और हमारे अलावा बहुत सारे लोगों को पता चली जो कछु सीख सोच रहे थे। लेकिन एक बात, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो है, लेकिन अभी भी कई कई लोग हैं जो अच्छे से भाई फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बदमाशी कर दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी लड़ाई हम तब जीत पाते हैं जब सब लोग एक साथ लड़ते हैं। आप इतनी सारी लड़ाइयां आप देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में देखते होंगे कि सेनापति जब कहता है आक्रमण तो पूरी सेना एक साथ चल देती है। तो वैसे ही आपके देश के प्रधानमंत्री जो आपको कह रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, तो जब पूरा देश पालन करेगा तो ही हम जीत पाएंगे। एक आदमी भी गलती करेगा तो सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी, जितने लोग घर में बैठे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाइए, एक अच्छे हिंदुस्तानी का फर्ज निभाइए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में ही रहिए। हम लोग जीत के बहुत करीब हैं, बहुत जल्दी जीत जाएंगे, फिर उड़िएगा जितना उड़ना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और देखिए बहुत ध्यान दीजिए इन बातों को, मान लो भैया, काहे कि अच्छे से अभी रहे, अच्छे से लॉकडाउन का पालन करिया, तो फिर निरहुआ जी ने हमको वादा किया है बहुत अच्छी अच्छी जो फिल्में लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी लेकर आ रहे हैं, तो वो जरूर देखना, लॉकडाउन का जरूर पालन करना। लेकिन एक आखिरी लाइन जरा आप गुनगुना देंगे ना तो मतलब फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, एक बस वो लाइन करा और गुनगुना। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने बिरहा स्टाइल में, मैं दो लाइन कहूंगा। हां बिल्कुल। नियम संयम जरूरी है, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम ना तोड़ेंगे, नियम को हम ना तोड़ेंगे। कोरोना लड़के इंडिया से, कोरोना लड़के इंडिया से, भगा कर तुझको छोड़ेंगे, कोरोना लड़के इंडिया से, भगा कर तुझको छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर निरहुआ जी, और बहुत अच्छा लगा। आप भी अपना ख्याल रखिए, घर में सब लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, यही हम चाहेंगे। और बस लॉकडाउन खत्म होता है फिर हम जरूर मिलते हैं और जे आपको हम जरूर भिजवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमृति जी, और मैं भी आपके लिए बहुत शुभकामना देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके भी घर वाले जो है काम धाम में आपका हाथ बटाएं, लॉकडाउन में आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। उनको दिखाइएगा ये इंटरव्यू और बोलिएगा कि सब लोग कर रहे हैं, आप भी सब काम धाम करिए। अपने पति को दिखाएंगे, स्पेशली दिखाइए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।